हे वेल, तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया मस्त मज़े से होंगे। तो आज हम एक और न्यू ट्यूटोरियल लेके आ गए हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा लाइट रूम के ऊपर बेस्ड ट्यूटोरियल है। मैंने इसमें जस्ट फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करा के और इसमें येलो टोन दिया है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें येलो टोन कैसे देना है, ठीक है। और जो भी चैनल पर नया हो तो ताकि जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। और मेरे को जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे लाइट रूम ओपन कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बिफोर फोटो है, ठीक है। अब इसका आफ्टर मैं आपको थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा। तो आप लोग इस टाइप से फ़ोटो क्लिक करा लेना, ठीक है। ये मैंने फ़ोन से ही फ़ोटो क्लिक कराया हुआ है यहाँ पर। तो मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। तो अपन जस्ट यहाँ से अब चीज़ें वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। अपन अब यहाँ पर थोड़ा एक्सपोज़र देखते हैं कैसा हो रहा है, ठीक है। तो हल्का सा अपन को यहाँ पे एक्सपोज़र आप देख सकते हैं यहाँ पे कर लेना है हल्का सा अप, ठीक है। जिससे पीछे का जो ब्राइटनेस है सन का आप देख सकते हैं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हल्का सा लो कर लेंगे तो आपका जो जैकेट वगैरह है तो वह हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग को जस्ट इसमें येल्लो टोन देना है हल्का हल्का सा, ठीक है। और आप इसको हाईलाइट्स को देख सकते हैं। आप इसको अगर डाउन कर देंगे और अप कर देंगे तो अप कर देंगे तो पूरा वाइट टाइप का हो जाएगा और डाउन कर देंगे तो पूरा सन वगैरह शो होगा। लेकिन अपन को इसको हाई करना है तो अपन इसको 40 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद शेडो को अपन डाउन करेंगे, ठीक है। हल्का सा डाउन करना है तो इसको हल्का सा डाउन कर लेते हैं 15 कर लेते हैं। तो मैंने इसको 15 कर लिया है। और वाइटनेस को भी आप वाइटनेस को 40 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 40 कर देता हूँ। और हल्की सी अपन को फेस पर भी शाइनिंग चाहिए, ठीक है। तो ब्लैकनेस फेस से हटाने के लिए अपन इसको 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं बिफ़ोर आफ्टर, ठीक है। तो बिफ़ोर किस टाइप का था और आफ्टर इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लो था वो हल्का सा फेस पर आ गया बैकग्राउंड से, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। अब अपन चलेंगे कलर पर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को हल्का सा इसको करना है आपको येल्लो टोन पे, ठीक है। तो इसको येल्लो टोन दे देते हैं हल्का सा येल्लो टोन, ठीक है। तो मैं इसको 9 येल्लो टोन दे दिया है, ठीक है, 9% पे। और इसको भी जस्ट अपन को इतना कर देना है और हल्की सी इसकी वो करनी है ओपेसिटी और ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी अब यहाँ पर अपन ने कम्प्लीट कर दी। तो मैं इसको फिर से आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊँगा। तो ये था बिफ़ोर, ये था आफ्टर, ठीक है। अब इसमें अपन और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आप लोग को रेड कलर लेना है, हल्का सा इसको करना है कुछ 6%, ठीक है। इससे अपन कोई शेड छाड़ी नहीं करना है। अब अपन आ जाते हैं येल्लो कलर पे, ठीक है। तो आप लोग को येल्लो कलर लेना है यहाँ से हल्का सा, ठीक है। और सैचुरेशन कितना और ल्यूमिनिसिटी भी हल्की सी बढ़ा देना, ठीक है। बड़ा जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ग्लो आएगा यहाँ पर। तो इसको मैं कुछ इतना रख देता हूँ। और मेरी जैकेट का ग्रीन कलर है तो मैं ग्रीन से इसको येल्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी आप जैसा भी जैकेट पहने हो तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन का ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर तो मैंने कहीं पर यहाँ पर था नहीं, तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ ब्लू कलर को। और ये अपने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन है अपन इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे ऑरेंज कलर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया और हल्का सा मैं इसको अप करूँगा, ठीक है। और ये कर लेंगे, ठीक है। और इसमें भी करने के बाद आप लोग को जस्ट इसको थोड़ा सा डाउन करना है। तो आप देख सकते हैं इसे ऊपर ऊपर येल्लो कलर रहेगा और नीचे जो है वो पूरा डार्क हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन बैलेंस भी कर देते हैं ना, और ये भी कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद अपन चलते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग को यहाँ पे आप लोग का जो येल्लो कलर है, ठीक है, इसको चूज़ करना है। यहाँ पे येल्लो बोल रहा हूँ, ऑरेंज टाइप का जो कलर हल्का सा चूज़ करना है, ठीक है। और जस्ट इसको इस टाइप से कर लेना है, ठीक है। और इसको इस टाइप से कर लेना है
और बैलेंस मैंने बढ़ाया हुआ है यहाँ पे हल्का सा, ब्लेंडिंग थोड़ा बढ़ाया हुआ है, बैलेंस भी करके रखा है ठीक है थोड़ा सा। अब इसके बाद इसको भी आप येलो टोन देंगे ठीक है, इसको भी आपको येलो ही टोन देना है और हल्का सा इसको अप कर देंगे येलो टोन पर ही ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसके भी हल्के से ब्लेंडिंग बढ़ा देंगे और इसको एक पूरा फुल एकदम वाइट कर देंगे ठीक है। तो ये सब हो गया है और यहाँ पे भी अपन को हल्का सा इसको येलो टोन देना है ठीक है, बैलेंस करने के लिए। इसे अपने तक हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो आ गया है ठीक है, और इसको अपन डन कर देंगे। अब देखो आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ठीक है। तो पीछे का जो सन था एकदम गायब भी हो गया है ठीक है, पूरा पीछे वाइट वाइट हो गया है, और आप देख सकते हैं पूरा जितना भी ग्लो था और शाइनिंग था वो अपने फेस पे ग्लो करने लगा है ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, अब जस्ट अपन को यहाँ पे हल्का हल्का सा इसकी हार्डनेस अपन हल्की सी बढ़ाएंगे ठीक है, और इसको भी अपन थोड़ा सा इस टाइप से कर देंगे। इसको अगर आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, जिससे देख सकते हैं इसका हल्का और ग्लो बढ़ता जाएगा ठीक है। और मैं हल्का सा इसको नीचे से टोन दे दूंगा ब्लैक ठीक है, और यहाँ से हल्की सी शार्पनेस बढ़ाऊंगा मैं, हल्की सी शार्पनेस ठीक है, जस्ट इतना ही था। अब ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं, अब रह गया ये अलग टूल ठीक है। तो सबसे पहले ये अलग टूल लूँगा मैं यहाँ पे और कुछ इस टाइप से इसको रखूँगा यहाँ पे, और इसकी अब जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको अपन यहाँ से डार्क करेंगे हल्का हल्का सा, इसको हल्का सा डार्क रखना है ठीक है अपन को। तो इसको भी डार्क कर लेते हैं जल्दी से, और ये मैंने यहाँ पर इसको डार्क कर दिया है ठीक है, और इसको अपन राइट टिक कर देंगे, ये डन हो गया। और फिर से अपन चलेंगे ऐड फोटो पे, और जस्ट अपन को सर्कल वाला जो है उसको लेना है और इसको हल्का सा अपने फेस पे रखना है ठीक है इस टाइप से, और जस्ट अब अपन अपने फेस की ब्राइटनेस अप और डाउन कर सकते हैं ठीक है। सिर्फ फेस का रहेगा, तो फेस को भी मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ हल्का सा ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है ठीक है, अब देख सकते हैं पूरा फोटो रेडी हो गया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर ठीक है। तो ये मैंने इसमें पूरा येलो टोन दे हुआ है ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा। और जितने मैं PNG वगैरह यूज़ करता हूँ अपनी फोटोज़ में, प्रीवियस फोटोज़ में मैंने यूज़ किया हुआ है, उसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।